सो हेलो एवरीवन। सो गाइस आज की वीडियो हम टेस्ट करने वाले हैं मल्टी बलून वाला जो प्रोडक्ट है गाइस, इसके अंदर आप जो है 37 बलून्स को जो है 60 सेकंड के अंदर फुला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप 37 वाटर बलून्स को जो है इन 60 सेकंड्स में जो है आपको जो है फुला सकते हो, वही बिना ज़्यादा किसी मेहनत के। यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है कैसे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो आप इसके इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। तो गाइस हमें पता है तो आप इसे स्किप करते हैं, इसे हम खोलते हैं गाइस। अब मैंने इसे पहले से ही खोल के रखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ मैंने निकाल दिया। वैसे इसके अंदर दो पीस आते हैं तो मैंने एक पीस जो है पहले ही यूज़ कर लिया ऐसे चेक करने के लिए। तो चलिए इसे हम इस वाले को हम टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर एक नोजल लगा हुआ होता है, इसे आप चाहे तो डायरेक्ट जो है किसी पाइप पर लगा सकते हो, फिर अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है तो आप जो है इसे डायरेक्ट अपनी टंकी में लगा सकते हो। तब देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बलून्स लगे हुए हैं आगे जो है एक रबड़ की मदद से बंधे हुए हैं। तो गाइस जो है मैं इस नोजल को वापस वहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है, अब इसे जो है हम टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं इसे जो है अपने टंकी में ऐसे लगा दूंगा और फिर इसे चालू कर दूंगा और फिर देखते हैं कि ये वर्क करता कि नहीं करता। तो चलिए फिर शुरू करता हूँ। वीडियो को पसंद है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है सेटअप तैयार कर रखा है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी आ रहा है और अब मैं जो है इसको यहाँ पर लगा दूँगा सिंपली कुछ इस तरीके से गाइस, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी जो है इसे पकड़ लूँगा अच्छे तरीके से हाथ से, क्योंकि जब बलून फूलेंगे तो उसका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो निकल जाएगा, तो इसलिए जो है मैं हाथ से इसे पकड़ लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं गाइस जो है फूल आए, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लीकेजेस हो रही हैं कुछ बलून में, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये सही बात नहीं है, इसमें जो है लीकेज हो रही है, वैसे 3 से 4 बलून में यहाँ लीकेज हो रही है, बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ ओवरऑल जो है काफ़ी सही वर्क हो रहा है फिलहाल तो, और देखते हैं कितना ज़्यादा ये फूलता है नहीं। फिलहाल तो सब सही चल रहा है वैसे। आई थिंक अभी कुछ बलून यहाँ फटे हैं गाइस, मेरे को लग रहा है अभी इतना काफ़ी रहेगा क्योंकि बलून जो है फूट रहे हैं अपने आप, देखो एक और फूटा अभी। तो अब जो है मैं इसे हाथ की मदद से ही यहाँ पे इन्हें निकाल दूंगा। वैसे तो मुझे लगा कि मतलब मुझे कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो कोई बात नहीं, ये नहीं फूला वैसे ये वाला, बट कुछ नहीं फूले यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कुछ सही से नहीं फूले, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से फूल चुके हैं यहाँ पे। तो जो फूल चुके हैं उन्हें भी निकाल लेते हैं, तो देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पे सारे निकाले, लेकिन यहाँ पे जो कुछ रह गए देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ बलून्स यहाँ पे नहीं फूले हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे मतलब सही आइटम नहीं है वैसे तो ये ओवरऑल, ठीक है। सब यहाँ पे जो बलून की क्वालिटी देखते हैं कि बलून की क्या क्वालिटी है, वो कैसा है, तो इसे रख देते हैं हम साइड में और यहाँ पे देखते हैं। बलून तो सही है, मतलब पर इसका एडवांटेज यह है कि इसे हमें गांठ वाठ नहीं बांधनी पड़ती फिर इसमें बलून के अंदर, डायरेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक सील हो जाता है, यही बस मुझे एक अच्छी बात लगी, बाकी तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा वैसे नॉर्मल तो ये। सो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई नई वीडियो का आइडिया हो, कोई अच्छी सी वीडियो का आइडिया हो यूनिक सा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, तो मैं जो है उस वीडियो पे भी काम करूँगा और मैं आपका नाम भी मेंशन करूँगा।